अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ओवरव्यू दिया था मैंने, जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था। अब ऐसा है कि वो बनाने के बाद भी लोगों ने कहा कि डिटेल्स। तो बेसिकली मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि वो बेसिकली मैंने किस तरह करा है। और काफ़ी लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि यार आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आपने किस तरह किया है। तो बताते बताते मैं थक जाता था। तो अब ऐसा है कि फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह मैं करूं कि दोबारा प्रोजेक्ट तो मैं नहीं बना सकता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है ये ट्यूटोरियल एक लफ्ज़ दूँ और ओवरव्यू भी साथ साथ दूँ कि मैंने किस तरह अचीव किया। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की उसके काफ़ी पॉजिटिव मुझे रिस्पांस आया था उसका। और रिस्पांस आते ही मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए और आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और रही बात और डिटेल्स की, तो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि डिटेल्स में बनाए। तो यह है कि अब मैं कोशिश करिए कि आप लोगों के लिए एक और मेरा भी प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ओवरव्यू और ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। ये मेरा एक रिसेंटली प्रोजेक्ट मैंने जो किया था। आप लोगों को ये पसंद आएगा। कोशिश करिए मैंने ये दोबारा अपने बैकअप से प्रोजेक्ट निकाल के आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करी। और यह है कि देखते हैं आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। और रही बात VFX की, तो VFX पे भी हम लोग इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। और एज यूजुअल मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर कर देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। एंड इंशाल्लाह यू गाइस, सो अब हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको इसमें बताऊँगा डिटेल्स ही हैं जो आफ्टर फर्स्ट का यूज़र है और सेमाफोर्डी का, तो वो आराम से इसको यूज़ कर सकता है। और आज हम बनाने जाएंगे ये प्रोजेक्ट। तो मैं आपको सिर्फ एक फ्रेम के बारे में बताऊँगा, नॉट फ्रेम, नहीं, एक शॉट के बारे में बताऊँगा कि हम शॉट में आप क्या करेंगे। देखिए ये है मेरी एनिमेशन और ये सीन आपके पास है C4D का, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह, इसमें कौन सा शेडर मैंने यूज़ किया है और क्या रेंडर सेटिंग है। और कैमरा मूव के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल ये जब तक रेंडर हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कि इसको हम रेंडर करेंगे। रेंडर ले जाने के बाद हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से कंपोजिट किया। तो फिलहाल ये रेंडर हो रहा है। अच्छा, इसमें मैंने प्लगइन्स यूज़ करे हैं और ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके लिए ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो रेंडर आपने देख लिया था क्या रिजल्ट आ रहा था, और ये हमारे पास है। और लेकिन ग्रीबल मैंने यूज़ किया हुआ है और ये देखें ये इफेक्ट है। और ग्रीबल से मैंने ये इफेक्ट, और ये सब एनिमेट हो सकता है, कीस लग सकती है इसमें, ठीक है, ये कीस लग सकती है। और ये हमारा सीन आप देखें तो ओके, इसको हम सोलो करते हैं, ठीक है। कैमरा देखें हमारे पास चार है, ये देखें इसमें मैंने ग्रिबल लगाया हुआ, ग्रिबल का इफेक्ट कर रहा है वो आप देख रहे हैं। हमारे पास ग्रिबल है, हमने एक्टिव कर दिया कैमरा दोबारा
हमको अनफॉलो कर दिया, तो ये है कि ये देखें ये पूरा गेम ही ग्रेबल पर मैंने किया हुआ है और उसमें ज़्यादातर काम कंपोजिट का। अच्छा देखिए ये मेरे पास शेडर है, कलर में मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है ग्रेडियंट है और 3D जीनियर है। ठीक है और ये और ऑप्शन आ रहे होते हैं लेकिन मैंने 3D लीनियर लिया हुआ है। अब हम आएंगे अपने इस ऑब्जेक्ट पे और देखेंगे सोलो करा हमने और इसके शेडर को देखेंगे, इसको एनिमेट करके देखेंगे। हमारे पास ये कैमरा में अनएक्टिव मैंने कर दिया कैमरा और ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये मेरा पूरा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट पे मैंने पूरा ओपनर बनाया हुआ है। ये देखें तो ये है मेरा पूरा सीन। ये मैंने स्काइप HDRI लगाई हुई है और ये देखें किस तरह इफेक्ट कर रही है। इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे नज़र ना डिस्टर्ब ना करे मेरे सीन को, और देखिए आप देख सकते हैं कैमरा पे किस तरह एनिमेट हो रहा है। तो अब हम आएंगे अपने शेडर पर रेड वाले पे, तो रेड पे भी ग्रेडियंट है सिंपल और ये मैंने यूज किया हुआ। ठीक है तो इस तरह मैंने जो है ये शेप मैंने क्रीपर लगाया है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये असल में क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से सब्सक्राइबर्स का ग्राफ मेरा तो ज़बरदस्त नहीं है, बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन ये कि जितना जल्दी मिलेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतनी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं बना के शेयर करता रहूँगा। सो अब हम रेड साइडिंग पे हैं और हम आते हैं अपने एंटीलाइजिंग पे। देखा अच्छा देखें ये हमारे पास रेड साइडिंग है और ये देखिए यहाँ पे हम अपने एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं कि टाइम नहीं है आप HD बना लें, पहल बना लें या 4K 2K यहाँ पे डिपेंड है। इसको रीनेम कर सकते हैं या को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये बना दिए हैं टेम्पलेट्स।
अब हम इसको कर देंगे रेंडर। रेंडर होने का, रेंडर होने के बाद देखिए ये बीजी है और इसमें क्या क्या फोर कलर ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया हुआ है। और अब मैं आपको उसमें बता दूँगा ब्लेंड किस तरह हुआ है। और ब्लेंडिंग इस तरह होगी कि देखिए ये पार्टिकल्स है और ये मैं C40 से ही कैमरा लेकर आया हूँ, तो मुझे पोजीशन मिल गई थी इसलिए क्रैक बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास रिमेनिंग वाली लाइन्स। और ये मैं ये सब 3D से लेकर आया हुआ मैं, अब आपको बताऊंगा ब्लेंड किस तरह करेंगे इसको। ठीक है, ये मैं एक और मैप लेकर आया हुआ हूँ और उसको मैं कैप्चर कर दूँगा ब्लर कि आप उसमें ब्लेंड हो जाए। और ये मेरा ग्लोब है अल्फा, और मेरी लाइन्स आ गई। अच्छा देखिए ये मैंने थर्ड ग्राफिक्स यूज़ की है और ग्लो लगाया है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। देखिए ग्लो आप लोग के सामने हर चीज़ ट्राई की है तो किस तरह यूज हुआ अब आपको बताता हूँ। देखिए ये मैं 3D से ही लेकर आया और यह मैंने सिंपल से ग्लो लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें मैं इसको स्क्रीन मोड पर रखा हुआ है। और ये हमारा मेन सीन है जो हमने वहाँ पर रेंडर लगाया था। ये लाइन्स हैं इसमें 3D से ही लेकर आया और मैट वहीं से लेकर आया था। ये देखें फिर वो हुआ जो जबी इशू हो रहा है, जबी फिर को अनचेक किया हुआ है। ये मेरे पास जो आ गया ये मेरे पास हर ट्रैफिक और आ गया, ये मैं 3D से लेकर आया हूँ। सब चीज़ें मेरी 3D से हैं और यहाँ सिर्फ मैंने कंपोजिट किया हुआ है मोड्स ब्लू पे खेला हुआ। ये देखें और ये सैचुरेशन है इसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। पार्टिकल्स के साथ कितना जबरदस्त लग रहा
फ्लूइड लगाया हुआ है। इसे बैकग्राउंड के लिए और ब्लेंडिंग के लिए।